वेलकम फ्रेंड्स, गैजेट्स ऑन रिव्यू हेयर। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी की सियाज, जो कि 9 लाख से 11.5 लाख के मॉडल्स में आती है। ये पीछे वाली टेल लाइट्स, चलिए आगे से देखते हैं इसे। जो डीजल इंजन है वो है 1246 सीसी और जो पेट्रोल है वो है 1370 सीसी। एवरेज की बात की जाए तो ये 25 की एवरेज देती है। ये है आगे वाले हेडलाइट्स, बहुत ही खूबसूरत। ये क्रोम, ये फॉग लैंप्स। चलिए इसका ड्राइवर साइड लेफ्ट व्यू देखते हैं। ये है इसका साइड व्यू, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क, इंडिकेटर व्यू। चलिए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये पावर विंडो, यहाँ पर दो एसी के विंडोज और ये 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर, लेदर सीट्स, यहाँ पर दो हेडरेस्ट हैं और एक पीछे से एक कर्टन भी है जो मैन्युअली लगाना पड़ता है। ये रीडिंग लैंप्स आप देख सकते हैं, काफी स्पेस पड़ा है, मतलब आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इसमें। ये आर्मरेस्ट और ग्लासेस रखने की जगह। ये है पीछे से आगे का डैशबोर्ड। चलिए आगे चल के देखते हैं। ये है ड्राइवर विंडो, यहाँ पर हैं ये ड्राइवर्स के कुछ कंट्रोल्स, ये एडजस्टेबल सीट, यहाँ पर आप पर्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पर कीज। चलिए इसे स्टार्ट कर देखते हैं। यहाँ पे जो टॉप स्पीड दिखा रहा है वो 200 किलोमीटर पर आ रहा है और आरपीएम 6000 आरपीएम तक अवेलेबल है। ये है आपका गेयरबॉक्स, हैंड ब्रेक, ये है आपका आर्मरेस्ट, इसके बीच में भी कुछ जगह दी गई है। यहाँ पे आप काफ़ी कुछ रख सकते हैं, ये ऑक्स केबल के लिए, चार्जिंग पोर्ट और साथ में ये पेन ड्राइव की जगह। यहाँ से आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और ये है एलईडी स्क्रीन जो कि एप्पल कार प्ले के साथ सपोर्ट है। यहाँ पे पार्किंग लाइट्स, स्टीयरिंग पे कुछ कंट्रोल्स, ये है लाइट कंट्रोल्स, ये है वाइपर कंट्रोल्स और यहाँ से आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन, नीचे ये आप देख सकते हैं ये पेडल्स हैं और यहाँ से आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऊपर की लाइट्स और यहाँ पर आप ग्लासेस रख सकते हैं अपने। ये मिरर, एयरबैग्स की बात की जाए तो इसमें दो एयरबैग्स अवेलेबल हैं, एक ड्राइवर सीट पे और एक लेफ्ट साइड पे। ये स्पीकर्स, ये 6 स्पीकर्स के साथ आती है कार। इसका बॉक्स, ये इसका मिरर है जो कि रात को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है ताकि आपकी आईज में लाइट ना पड़े। ये है मारुति सुजुकी का डीजल इंजन 1246 सीसी। चलिए अब पीछे का चेक करते हैं। कीज पर ही आपको पीछे का बटन मिल जाएगा, इसको होल्ड करके रखिए और डिग्गी खुल जाएगी। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसमें आपको 520 लीटर बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील और टूल्स मिलेंगे। देखा जाए तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिला है। चलिए इसे बंद कर देते हैं।
तो आपको ये सियाज मिलेगी, 7 कलर्स में अवेलेबल है नेक्सा में, पहले ये मारुति में आती थी। दैट्स ऑल।